माँ का हिस्सा, एक दर्द भरी कहानी। एक बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। पिता के देहांत के बाद माँ ने हर तरह का काम कर उसे पाल पोस कर बड़ा किया और काबिल बनाया था। शादी के बाद पत्नी को सास से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं बैठी। उसे लोगों को ये बताने में शर्म आती है कि यह अनपढ़ औरत उसकी सास है। बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो बेटे ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब कोई भी कर चुकाने में सक्षम हूँ। आप और मैं दोनों खुश रहे, इसलिए यही अच्छा होगा कि आप घर छोड़कर चली जाए। तो आपने अब तक मुझ पर जितना भी खर्च किया है वो मुझे ब्याज सहित बताएं, मैं इसे चुका दूंगा, फिर हम अलग अलग रहेंगे। माँ ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, बेटा, हिसाब थोड़ा लंबा है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय दो। बेटे ने कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं है, एक दो दिन में बता देना। रात हो गई, सब सो गए। माँ ने एक बर्तन में पानी लिया और अपने बेटे के कमरे में आई और एक तरफ पानी डाल दिया जहाँ बेटा सो रहा था। बेटे ने करवट बदली तो माँ ने उस तरफ भी पानी डाल दिया। बेटा जिस तरफ मुड़ता रहा माँ उस तरफ पानी डालती रही। बेटा गुस्से में उठ बैठा और चिल्लाया, माँ, यह क्या है, तुमने मेरा बिस्तर पानी पानी क्यों कर दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए ने कहा, बेटा, तुमने मुझे अपने पूरे जीवन का हिसाब करने के लिए कहा था, तो अभी मैं हिसाब लगा ही रही थी कि बचपन में मैंने तुम्हारे बिस्तर गीला करने के कारण न जाने कितनी रातें जाग जाग कर काटी हैं। ये तो पहली रात है और अब तुम अभी से डर गए। मैंने तो अभी तक हिसाब शुरू भी नहीं किया जिसका भुगतान तुम कर सको और तुम अभी से परेशान हो गए। माँ की इस बात ने बेटे के दिल को झकझोर कर रख दिया। फिर उसने वह रात यही सोचते हुए बिताई कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता।